बना के उनको भेजेंगे और कंप्लेन कर देंगे। सुनो, अब इन्होंने हमसे 3 दिन के पैसे लिए ना, हमको 6 दिन के पैसे ले, हमको हम लोग खाली कर, हां अभी खाली कर, हां भाई इन्होंने 3 दिन के लिए ना हमको 6 दिन के पैसे आपस में हम खाली कर लेंगे। ट्रिप रही यार, मैं तो बोलता हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस शाल्वी का कहीं नहीं था, और स्वयं सच में तुम दोनों का होटल से सब जगह खोल लेना सर। लेकिन देखो, जब कोई झगड़ा करता है सीटी मारता है, हम ऐसा कम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो भैया ये बताओ, तो आजकल यहाँ पे चक्कर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइट इतना जा रहा है? मैं सुना है सर, मैं वो बोलता हूँ, मैं सुना, झूठ नहीं बोलता। इन्होंने बिल बिल नहीं दिया क्या? ना ना, ये पूरा लाइन में सर लाइटिंग होने सामने बड़े ले, उसका दो आज प्लग टिकट ले गए, मतलब जो होता है तो ये पूरा बागा कलंगुट पूरे में हो रहा है। अरे पर बाकी जगह तो लाइट चल रही, सामने डीजे चल रहे, अच्छा चल रहा है। और जो लोकल का घर है ना, लोकल वहाँ पे हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमको लाइट नहीं आ रही। तो आपके घर में लाइट आ रहा है? हमको लाइट आ रहा है, हमको आ रहा है। आप समझे नहीं, ये पूरा एक ही होगा ना लगभग लाइट का सिस्टम। अभी सुनो तुम्हारे, अरे उसकी कोई गलती थोड़ी यार, वो तो वर्कर है वहाँ पे, वो क्या करेगा। वो हमने क्या किया, अपने विमल को जो यहाँ का मैनेजर, उसको कॉल किया, उसने अपना घर लॉक कर लिया, उसने घर लॉक कर दिया, ना घंटी उठा रहा, ना फोन उठा रहा, ना कुछ कर रहा है। तो बिल्कुल घर में लाइट नहीं है तुम्हारे यहाँ पे, तुम हंस रही हो। और लोग पता है, लोग यार टीवी निकालने वाले जल्दी से। अबे टीवी वाले, अरे अंकल क्या बात हुआ? हम लोग वो लोग रूम में जाने था 1 घंटा, वो लोग यहाँ पे भेज दो, शिफ्ट करो। ये बस बताओ, ये आजकल क्या चालू है यहाँ पे, रोज रोज का नाटक है। हाँ नहीं नहीं आप, अरे आपका कोई गलती थोड़ी है, आप तो एकदम बढ़िया काम कर रहे हो यार, आप तो काम कर रहे हो यहाँ पे। जो वो ऊपर वाले हैं, तो ऊपर वाले ना फोन उठाते हैं, आप लोगों को बड़ा दिक्कत होता होगा ऐसे में, है ना। रोज रोज लोग आपसे लड़ने आ रहे हैं, और हम यहाँ 3 दिन हुआ है हमें। पहले दिन तो मैं खुद था ना, 3 बार लाइट याद है, पहले दिन अपनी लिफ्ट भी फंस गई थी, हमने आपको पहले भेजा। हाँ आपने पहले भेजा भाई, हमें लगा पहला दिन ठीक है, पहले दिन में दिक्कत है, ये तो रोज रोज का दिक्कत है। हाँ आपका सदा हमारा संबंध खराब हो जाता है, लफड़ा होता है तो ऊपर मोहल्ले में जो है आना चाहिए बराबर, अंदर में आया। और ये जो मैनेजर वगैरह ये सब आते क्यों नहीं है रात में? कोई भी नहीं यहाँ पे, बस आप और लोग आप पे आके गुस्सा कर रहे हैं, आपके ऊपर लोग गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि और लोग अंदर मजा लेता है। हाँ बराबर है, सही कह रहे हैं। वही तो, 3 दिन हो गया यार, 3 दिन से रह रहे हैं। और जब जब पहले जब पता है भैया, पहले दिन मुंह खुला नहीं, काल भी हम लोग आए थे ऐसे चालू करके थोड़ा देखे गया। हाँ। तो भी मुंह खुला नहीं, कुछ नहीं, एकदम चुपचाप थे। पहले दिन जब लाइट किया, हम लोग बाहर घूमने के लिए, लड़ाई करने के लिए, और क्या, हम अपना घूमने, हमें वापसी हमारी मजा, तो मजा हो जाते ना। आपके ऊपर गुस्सा करने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपकी कोई गलती थोड़ी है। आप जो है काम करने आ रहे हो, आप तो बहुत मेहनत से काम कर रहे हो यार, जो आपका काम मिल रहा है आप बढ़िया से कर रहे हो, तो आपका उसमें क्या लेना देना है। वो तो गलती उन सबकी है, जो वही तो वही गलती के लिए क्या मेरा ऊपर चिल्ला गया तो उसको सुनाई देगा। हाँ। वो सुनता ही नहीं। अरे ये हाँ ये वाला है, लगो लाइट तो लगा दो। आया नहीं तो बिजली नहीं आया अभी तक, बिजली नहीं, सिस्टम पूरा बेकार सर, मैं बोलने अच्छा नहीं लगता। हाँ नहीं, पूरा फालतू सिस्टम, पागल पन है। खुद मालिक होके कुछ एडजस्टमेंट करेगा नहीं, हम लोग का ऊपर छोड़ देता है। पर आपको लोग बेमतलब में सुना रहे थे, अभी देखा नहीं वहाँ क्या मारामारी होगी, तो मुझे डर लग रहा था आपको कोई मानने ना लग जाए लोग, क्योंकि क्या लोग गुस्साए थे ना, उनको भी उनके बच्चे बच्चे थे कुछ कुछ, तो काफी छोटा छोटा बच्चा, उनको इतना गर्मी में थोड़ी नींद आएगा। खुद बाहर जाता तो हम लोग भी तो करने होता है, वो खुद जाता था,
वही गौरव ने सबने पैसा दिया, हमने पैसा दिया। अब देखो हम लोग का तो पता चल जाएगा भैया, हमें ठीक है गर्मी में सो गए, नई नींद आई, चल जाएगा। पर बच्चे छोटे बच्चे हैं, ये बट आपकी गलती नहीं है, आप समझते हैं। आप एक बात है, आपका साथ हॉट टाइम आप जितना दिन रहेगा हम लोग सर्विस देगा चले, वो लोग आएगा नहीं आपका सामने, एक ही टाइम आएगा पैसा लेने का टाइम है, जाने का टाइम है। अबे बहुत सही डिसीजन ले लिया, नहीं आते तो गाइस फाइनली वो वाला हमने होटल छोड़ दिया जो आपने वीडियो में अब तक ऑलरेडी देखा होगा वहाँ पे क्या हो रहा था कल रात में। तो हाँ हो गया, चेकआउट करके आ रहे। रूम नंबर क्या है? रूम नंबर क्या है? 803304। और अभी हमें सामने दूसरा होटल मिल गया है, घर से एक होटल से निकल के टनल वेव से निकल के हम लोग जा रहे हैं लाल डिनेरो। लोग यूजुअली पब हॉपिंग करते हैं ना, हम देखो होटल हॉपिंग कर रहे हैं। हाय गाइस, तो एक छोटा सा अपडेट क्या हुआ फाइनली गोवा में हमारे साथ। हमने जब पहला दिन चेक इन किया होटल में तो वहाँ लाइट का कुछ तो दिक्कत चल रहा था, हमें लगा ठीक है चलता है हो जाएगा। दूसरे दिन फिर दिक्कत हुआ, फाइनली तीसरे दिन बहुत सारे लोग जुड़ गए क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रॉपर्टी था, कम से कम 30-40 विला थे उसमें, 3-4 बेडरूम विला। सबके घर में एसी नहीं चल रहा, लाइट नहीं चल रहा, चार्जर नहीं चल रहा, तो फिर सब लोग जुड़ गए और फाइनली तीसरे दिन सब ने नीचे जाके बहुत झगड़ा किया, लड़ाई किया और दे एग्री, वो मान गए और हमें तीनों दिन का पूरा 100% रिफंड वापस मिला। और नेक्स्ट डे, अब तक आपने वीडियो में देखा होगा, नेक्स्ट डे हमने एक सामने होटल मिला उसमें हमने चेक इन कर लिया और फाइनली हमारा गोवा ट्रिप, पूरा गोवा ट्रिप 4 दिन का सिर्फ 1 दिन पैसा मांगा जो नए होटल का था, बाकी पूरा गोवा ट्रिप हमारा फ्री हुआ। और एडिटिंग कर रहा था, एडिटिंग करते करते मम्मी बढ़िया सा नाश्ता ले आई, सोचा वो भी दिखा दूँ आपको। एमपी के हर घर में भोपाल इंदौर जबलपुर कहीं भी पोहा सबसे ज़्यादा कॉमन नाश्ता, सबसे ज़्यादा खाने वाला नाश्ता है, ये मेरा भी फेवरेट है।